पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा लिया। आपको ये बता दें कि काफी दुखद घटना है, पूरा देश हिल चुका है इस घटना के बाद से, और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना के बाद से लगातार एक्शन मोड में हैं, बैठकें लगातार उनकी तरफ से की गई हैं और वो घटनास्थल का जायजा लेने के लिए खुद वहां पर पहुंचे हैं। वहां मौजूद अधिकारियों से भी पीएम मोदी ने बातचीत की और हादसे की जगह पर पीएम मोदी ने चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने एकजुट होकर काम करने के लिए उन्हें कहा। पीएम मोदी घटनास्थल पर मोबाइल फोन पर भी बात करते हुए नजर आए हैं। इस बीच पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं। यहाँ एक तरफ बता दें कि मरीजों से प्रधानमंत्री मिलने पहुंचे हैं। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है, हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था बनने करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए, और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। और ओडिशा के बालासोर में हुए इस ट्रेन हादसे को लेकर सभी को इस हादसे ने झंझोर कर रख दिया है। ऐसा दर्दनाक हादसा जिसकी चीख पुकार चारों तरफ सुनाई दे रही है। इस हादसे में अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही आपको ये बता दें कि घायलों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इस हादसे पर राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। जितने भी फार्मेसिस्ट हैं, जितनी मेडिसिन हैं,
यानी एक सेकंड के अंदर आप देखिए 900 लोगों का लाइन लग गया है ब्लड देने के लिए। इसलिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जिधर से लोग आए हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन था उनको डिपोर्ट किया जा रहा, वो अपने माता पिता को जाकर मिल सकते हैं। लेकिन जो नहीं रहे हमारे बीच में दुर्भाग्य से, उनके घरों की भी चिंता देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, वो सब उनकी चिंता पूरे कर रहे हैं। आप सबने भी महसूस किया होगा कि कितने लोग किस प्रकार से सेवा करने के लिए तत्पर हैं। मुझे लगता है कल शाम के 7 बजे से लेकर अभी तक और कल का 7 भी बज जाएगा, ऐसे 48 घंटे तक लगातार लोग, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आप सब लोग हैं, एक पैर पर खड़े हैं। इस प्रकार की सेवा की भावना, और हम सब समझते हैं कि अपना प्रदेश उड़ीसा प्रदेश, हम फनी का मुकाबला करते हैं, तितली का करते हैं, बुलबुल का करते हैं, हम तो हुड़बुड़ सबका मुकाबला करते हैं और विश्व में हमने नाम भी कमाया है। इसलिए इस चैलेंज को भी हमने एक्सेप्ट किया है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम, ये सब मिलकर इसका मुकाबला कर हम इसमें कामयाब होंगे। हाँ, जो लोग चले गए हैं उनके परिवारों की भी चिंता करने का, भरण पोषण करने का, उनका केयर एंड शेयर करने का भी जिम्मेवारी देश के प्रधानमंत्री जी ने, रेलवे मिनिस्टर ने और मुख्यमंत्री ने ली है। कोरोमंडल ट्रेन बहुत फास्ट ट्रेन है, चेन्नई के लिए, चेन्नई जाती है मद्रास, उस पर हम भी यात्रा की हुई है। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है, जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग है इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए और मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपया का मुआवजा और घायलों को 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। लगता है बड़ी लापरवाही हुई है, बहुत बड़ी लापरवाही, काफ़ी बड़ी लापरवाही हो रही है, रेल को चौपट कर दिया। ये रेल दुर्घटना जी सकल आहत हल तेलोकर जी अद्भुत कष्ट बा पीड़ा, मैं पुनर एबार निहत सकलर प्रति आमि आमार समबेदना ज्ञापन करिछो, आहत सकलर आशु आरोग्य कामना करिछो आरो भारत सरकार आरो उड़ीसा सरकारे जाते ए रेल दुर्घटना आहत निहत सकलक न्याय दिब पारे, मानवीय जिमान कष्ट करिब पारे तार बाबे जेन तेओलोके शक्ति पाए तार बाबे मय परम पितारो सरत कामना करिछो। I request them come forward and help people who are in distress. Secondly, a number of Congress leaders from different states and different areas, already they have reached. Yesterday night itself I spoke to my party leaders there in Orissa and also in respective states to help the people there and go there, and according to the AICC instruction all people have gone there and now they are on the spot and they are trying to help their best. Particularly the Chief Minister from Karnataka also has sent a special team there to take care of the distressed people, those who are badly in need of help. Thirdly, I once again extend my heartfelt condolences to the bereaved families. Really, they are in a very bad position and I felt my deep condolences with the
bereaved families. जितने भी फार्मेसिस्ट हैं, जितनी मेडिसिन हैं, यानी एक सेकेंड. आज यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम था जिसमें राष्ट्रीय हमारे महामंत्री भाई कृष्णा अल्लावरू जी उपस्थित थे और शैलजा जी भी उपस्थित, और चुनाव के संदर्भ में हमारे नेताओं ने टिप्स दिए और अभी बैठक जारी है. अभी जो उड़ीसा में जो ट्रेन दुर्घटना हुई और तीन ट्रेन एक साथ टकराई और संभवतः देश के इतिहास में इतना बड़ा हादसा पहले कभी नहीं हुआ था, और जिसमें सैकड़ों लोग इसे प्रभावित हुए, 280 से अधिक लोगों की मौतें हो गई, 900 लोग घायल हैं. और मैं मृतक परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल हों से जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं. उड़ीसा के मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई और मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दुर्घटना में जो भी सहयोग उड़ीसा गवर्नमेंट को चाहिए हम लोग देने के तैयार हैं, और उन्होंने कहा कि धन्यवाद भी दिया और सहयोग करते एक भावना व्यक्त की उससे, और साथ ही आवश्यकता पड़ी तो हमने सहयोग लेने की बात की. सर, ये बहुत बड़ी चूक है क्योंकि तीन तीन गाड़ियों की आपस में टकरा है. क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की लापरवाही भी है? देखिए, एक तरफ तो पहली बात तो ये है कि पहले रेल बजट होता था, उसको आपने बंद कर दिया और इसमें बहुत सारी चर्चाएं होती थी. दूसरी बात है, जो बेसिक काम होना चाहिए वो काम शायद नहीं हो रहा है. तीसरी बात ये है कि आज जिस प्रकार से मालगाड़ी से टकराया है, अभी तो जांच का विषय है. यदि दो दो ट्रेनों के लोग को एक साथ चला रहे हैं, मान लो एक ट्रेन 65 बोगी लेकर चलती है और आपने दो ट्रेनों को जोड़ दिया, 130 हो गया, तो जो स्पान है वो बहुत लंबा हो गया. और उसके दौर से पहले हॉटस्टेट का जो अभी मर गया, हॉटस्टेट तो उसको मदद करेगा, अपनी हमारा स्टेट से ज्यादा है. हम भी वो परिवार को हमारा स्टेट का जो है 5 लाख करके हम देंगे, और रैली अगर एल एफ के साथ, गवर्नमेंट का साथ, उड़ीसा गवर्नमेंट का साथ कोऑपरेशन करके, रेलवे का साथ हम पूरा काम करेंगे जब तक काम खत्म नहीं होगा. हमने भी 70 एम्बुलेंस आज भेजा, कल भी 40 भेजा था. हमारा 40 डॉक्टर इधर में पूछ चुका है, काम कर रहा है. हमारा सिस्टर भी काम कर रहा है, और हम 2 बस भेजा था, उसमें जो थोड़ा से इंजर्ड है वो बंगाल में वापस चला गया. और हम रेल को भी कहने चाहूंगी कि अगर दो कैसे जाएगा, अभी तो इसमें रास्ता. जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, लाशें बिखरी पड़ी, कौन जिम्मेवार है इन मौतों का, ये सवाल आज पूछने का नहीं. सरकार जांच करे और दंडित हों लोग. लेकिन हमने रेलवे की सुरक्षा के लिए क्या किया इतने वर्षों में, उस पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी. आज के दिन कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जिन घरों के चिराग बुझ गए, कोई मुआवजा उन चिराग को वापस नहीं ला सकता. मैं कह रहा हूं कि हाल के वर्षों में मैंने इस स्केल की दुर्घटना के बारे में कभी नहीं देखा था. ईश्वर उन परिवारों को शक्ति दे सहने की, क्योंकि आसान नहीं होता है, ये बहुत मुश्किल क्षण है उन लोगों के लिए. और रेस्क्यू टीम में जो लोग लगे हैं, मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ. सर, इसमें पिछली के सरकारों में भी ऐसी घटनाएं हुई? देखिए, ये मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है. पिछली की सरकारों ने कवच को प्रसारित तो नहीं किया था, अपनी कितनी बातें की थी. आज ये नहीं पूछेंगे सदन, ये मौतें जो है ना अपने पीछे एक कहानी छोड़ के गई हैं. ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ गॉड नहीं कह सकते. इस तरह की दुर्घटना जब होती है ना, सबके रोंगटे खड़े होने चाहिए. ये क्षण वो है. लेकिन सवाल ये सबसे महत्वपूर्ण है कि तीन ट्रेनें कोलाइड कर रही हैं, हमारी सिग्नलिंग सिस्टम को क्या हो रहा था. ये सारी चीजें अनुसंधान और तहकीकात का विषय.
सुर्खियों में सर वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित जगह जो है वो हिंदुस्तान है पूरे वर्ल्ड में। देखिए, मैं मानता हूँ ये सचमुच सबसे सुरक्षित देश था, है कहने से पहले मैं उनसे आग्रह करूंगा थोड़ी अपनी शक्ल में तब्दीली कर लें, वेश बदल लें, अपना नाम मोहम्मद कामरान रख लें और ट्रेन में या कहीं भी किनारे छोटी सी दरी बिछा करके नमाज पढ़ें। मोहन भागवत जी को अपने बयान के मूल्यांकन का इस और अब रुक करेंगे दिल्ली का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार वार पलटवार जारी है। इसी बीच आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें आम आदमी पार्टी दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालेवाल पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने हमला बोला है। आज प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल 3 सप्ताह से राजनीतिक भारत भ्रमण में लगे हुए हैं। ये जिन बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ उनके प्रति अवहेलना का मामला है। 20 मामलों में जहां बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ, पॉक्सो मामले की फाइल 9 महीने से धूल फांक रही है। मामलों पर सीनियर पीपी ने नियुक्त किए गए हैं और ना ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और इस अन्याय से दिल्ली के बच्चों को बचाने के लिए सेक्शन 24 सीआरपीसी को इन्वोक करते हुए यूनियन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री को प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत अब ये नोटिफिकेशन निकलेगी, जहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट होंगे। मैं पूछना चाहूंगी कि केजरीवाल सरकार बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां करती हैं पॉलिटिकल माइलेज लेने में, यानी राजनीतिक माइलेज लेने में केजरीवाल सरकार बहुत निपुण है, लेकिन कब तक भारत में और दिल्ली के बच्चों के साथ, दिल्ली की महिलाओं के साथ वो ये विलंब और ये अन्याय करते रहेंगे? बोल का मोल केवल तब होता है जब आप जो कहें वो करें। बड़ी बातें करना बहुत आसान है, बड़े दावे करना बहुत आसान है, लेकिन मैं आज करबद्ध प्रार्थना करती हूं आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि कृपया ये जो निर्णय आप नहीं लेते हैं, जब आप कोई काम नहीं करते हैं, जब आपकी सरकार के मंत्रियों के चक्रव्यूह में ऐसे संवेदनशील मुद्दे अड़ जाते हैं, ऐसी फाइलें आप क्लियर नहीं करते हैं, तो आप दिल्ली की जनता के साथ अन्याय करते हैं। कन्नौज से बड़ी खबर है, जहां समर्थकों के साथ मंडी समिति चौकी में घुसकर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी है। इस हमले में 3 दरोगा और 4 सिपाही घायल हुए हैं और घायल एसआई हाकिम सिंह ने भाजपा सांसद पाठक समेत 10 नामजद और 42 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पूरा बवाल 5 युवकों के अपहरण के मामले में पकड़े जाने पर हुआ। और अब एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करा दें कि बिहार कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। जहां कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक की गई और उसके बाद बड़ा फेरबदल हुआ है। बिहार से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां विधायक दल के नेता अजीत शर्मा की जगह नया नेता चुन लिया गया है। शकील अहमद का नाम सामने आया है, शकील अहमद खान को चुना गया है विधायक राजधानी पटना का। बता दें आपको कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में विधान परिषद और विधायकों की बैठक की गई है और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि विधायक दल के नेता शकील अहमद खान होंगे। और वहीं इस बात को लेकर, इस बैठक को लेकर कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि इस बैठक में कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास और विशेष पर्यवेक्षक के तौर पर शक्ति सिंह गोहिल शामिल हुए हैं। इस फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं ने शकील अहमद खान को जमकर बधाइयां दी। और अब जगदलपुर की ओर रुख करेंगे, जहां पर 3 दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहा दीनदयाल उपाध्याय वार्ड और यहां पर वार्ड की महिलाओं ने मिलकर बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के नेतृत्व में खाली बर्तन, बाल्टियां और ड्रम रखकर धर्मपुरा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। सुरेश गुप्ता का यह आरोप है कि नियम को कई बार सूचना देने के बाद भी निगम के कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, कोई कार्रवाई नहीं हुई और निगम अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। वार्डों में पानी वितरण के भेदभाव करते हैं। चक्का जाम करने वाली महिलाओं का भी कहना है कि जब तक उन्हें वार्ड में पानी सप्लाई नहीं किया जाएगा, चक्का जाम इसी तरह जारी रहेगा। कोतवाली पुलिस ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन ये जो तमाम महिलाएं हैं अपनी समस्या को लेकर धरने पर अड़ी हुई हैं और चक्का जाम कर दिया गया है।
और नक्सलियों के डर से एक बार फिर से दक्षिण बस्तर में रेल यात्री सेवा प्रभावित होगी। आपको यहां बता दें कि 5 जून से लेकर 11 जून तक के लिए रेल लाइन दंतेवाड़ा से बैलाडीला के लिए पूरी तरीके से ठप रहेंगी। किरिंदुल में विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस का संचालन दंतेवाड़ा तक किया जाएगा और दंतेवाड़ा से किरिंदुल की दूरी 50 किलोमीटर है। इस अवधि में दंतेवाड़ा से किरिंदुल के बीच की दूरी 50 किलोमीटर रेल यात्री सेवा बंद रहेगी। गौरतलब है कि पिछले 2-3 महीनों में कई बार ट्रेनों की जो सुविधा है उसे बंद किया गया, यात्री ट्रेन का परिचालन प्रभावित रहा और इस बार भी नक्सलियों के वजह से ये प्रभावित होने जा रहा है। नक्सलियों के द्वारा 5 दिन तक जनपितूरी सप्ताह मनाने का आह्वान किया गया। और जगदलपुर में दीपक बैच ने जो है बजरंग बली के नारे लगवाए और साथ ही कहा कि कर्नाटक में बजरंग बली ने नैया पार लगवा दी है। तो वहीं जगदलपुर के कृष्ण गार्डन में सभागृह में कांग्रेस का बस्तर संभाग का स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान लोकसभा और विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आयोजित किए गए इस सम्मेलन को सियासी नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। आज आदरणीय साथियों, मैं बस्तर की बात करूंगा कि हम लोगों ने बस्तर में पिछले 15 साल की सरकार हमारी। और फिरोजाबाद में जिलाधिकारी ने जिले के आला अधिकारियों के साथ जन चौपाल लगाई है, साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान लोगों ने किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, किसान बीमा योजना जैसी तमाम मातृत्व लाभ योजना संबंधी जानकारी दी गई। आज जो है मोहम्मदपुर बेई में हम लोगों ने ग्राम चौपाल की है, जिसमें तमाम योजनाओं के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताया गया है और जो भी इनकी समस्याएं हैं उसके बारे में भी इनकी समस्याएं सुनी गई हैं, उसका निशान कर दिया गया। किस प्रकार की ज़्यादा गांव की शिकायतें आई, क्या समस्याएं हैं? देखिए, शिकायतें जो हैं ज़्यादातर वो कुछ राजस्व की शिकायतें हैं, कुछ अन्य विकास परियोजनाओं से संबंधित शिकायतें रही हैं। सभी लोग जो है पानी भी पी रहे हैं, परेशान भी हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अभिनंदन और स्वागत के पात्र हैं कि आप लोग जो है इतनी देर से बैठे हुए हैं और गर्मी में सारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। ये जो जन चौपाल की योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उनकी संकल्पना से पूरे जिले में चल रही है। हर एक शुक्रवार को अलग अलग गाँव में चौपाल लगाई जाती है जिला प्रशासन की तरफ से, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे गाँव के आखिरी व्यक्ति हैं उनके तक जो है योजना पहुंचनी चाहिए। तो सभी लोग जो है पानी भी पी रहे हैं। कानपुर देहात की भोगनीपुर तहसील में आज डीएम और एसपी की मौजूदगी में जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। इस दौरान संपूर्ण समाधान दिवस में जनपद के सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज भोगनीपुर में जो समाधान दिवस था उसमें 200 से अधिक शिकायतें आई हैं और यहाँ पे एक एक जो भी प्रांत थी उनको सुना गया है। विधिवत ज़्यादातर समस्याएं उनकी ज़मीन से रिलेटेड समस्याएं थी। भोगनीपुर के कुछ गाँव में चकबंदी भी चल रही थी, तो चकबंदी के बाद कब्जा परिवर्तन में उनको जो भी विवाद था उसकी शिकायतें थी। साथ ही यहाँ पर हमने सभी योजनाओं के कैंप यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए हैं जिसके बारे में लाभार्थियों को अवगत भी कराया है, और ये कोशिश करी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत, जैसे जो पेंशन की है अगर उनकी सीडिंग नहीं हो रखी है, पीएम किसान की है अगर ईकेवाईसी नहीं हो रखा है, और विद्युत का है अगर बिल कनेक्शन कराना है, तो बहुत सारी शिकायतें वो हम लोग ने। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से खबर है, जहां बता दें कि दंतेवाड़ा जिले का वन विभाग इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल दंतेवाड़ा जिले से भ्रष्टाचार और नाबालिगों से काम कराने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वन विभाग में भ्रष्टाचार का कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे सैकड़ों मामले दंतेवाड़ा जिले में पहले भी देखने को मिले हैं। यहाँ अधिकारियों की बल्ले बल्ले होती है, या फिर यूं कहा जाए कि अधिकारी यहाँ पर मालामाल हो जाते हैं। लेकिन इसी कड़ी में ताजा मामला देखने को मिला है, जहाँ वन विभाग के गोदाम में गीदम रेंज में पिछले कई दिनों से बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य चल रहा है। इस कार्य की गुणवत्ता स्तरहीन तो है ही, इसके साथ ही नाबालिग लोगों से, बच्चों से भी काम कराया जा रहा है।
काम कितना मिलता है रोजी? 250 रुपया। उम्र क्या है? 14 साल। स्कूल में पढ़ता है? कौन सा स्कूल में? छिंदनार। कौन सा गांव के हो? मुस्तलनार। पढ़ते हो स्कूल में? कौन सी क्लास में? दसवीं। उम्र क्या है आपकी? 16 साल। रोजी बराबर मिल रहा है? कौन लगाया काम में? नहीं लगाया। कौन काम में लगाया? कौन आपको? कौन पैसा देता है रोजी? और सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र में टपरकेला डैम में 25 मई को नाबालिग संजय यादव की डूबने से मौत हो गई। अब युवक की मौत पर लोगों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है और इस मामले में सैकड़ों की संख्या में सर यादव समाज के सभी पहलुओं पर फिर से जांच करने को लेकर सरगुजा एसपी को ज्ञापन सौंपा गया है। ये आपको बता दें कि लखनपुर थाना क्षेत्र के अमल भिट्टी के रहने वाले मृतक संजय यादव जो कि अपने 3 दोस्तों के साथ टपरकेला डैम नहाने गया हुआ था, इस दौरान दोस्तों के कहे अनुसार सेल्फी लेते समय डैम में डूबने से उसकी मौत हो गई। इधर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और साथ ही परिजन भी वहां पहुंचे और शव को देखा तो शरीर में खरोंच के निशान देखे गए हैं। हाथ पंदे होने की भी आशंका जताई गई है जिसको देखते हुए सैकड़ों की संख्या में सर्व यादव समाज ने सरगुजा एसपी के साथ मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंप कर गुहार लगाई है। मतलब घटना स्थल पर हम पहुंचे, वहां पर पूरे गाँव वासी पूरे जो सुना वो सब पहुंचा वहां पर, सब लोग इकट्ठा हुए वहाँ पर, उठे सब कोई देखे उसका खून खच्चर, तो सब लोग बोले कि इसको पानी के डूबा हुआ नहीं है, कहीं बांध के इसको मार के पानी में डाला गया है ना। इसके लिए मतलब सब कोई विचार करने लगे तो टीआई साहब को मैं बोला तो बोला कि नहीं ये इसमें मांसाहारी मछली है, वो मछली खा गई इनका पूरा, मतलब ये खून खच्चर जो हुआ उसको ना, तो वहाँ एक घंटा डेढ़ घंटे के लास्ट में पूरा मछली खा गई। टीआई बोले कि नहीं इसको मांसाहारी मछली है इसमें, अब पूरा मछली खा गई इसका पूरा मतलब। संजय यादव नाम के युवक थे, ये टपरकेला डैम में अपने दोस्तों के साथ गए थे, वहाँ पे इनके 2 दोस्त इनके साथ में थे। ये लोग एक स्कूटी के माध्यम से वहाँ पे डैम पे पिकनिक मनाने के लिए और इस तरह का कुछ पिकनिक गतिविधि करने के लिए गए थे। उसमें अभी तक की जो जांच है उसमें ये चीज़ हमारे संज्ञान में आई है कि वो फ़ोटो खिंचवा रहा था जो लड़का मृतक जो डूबा है पानी में, और उसका फ्रेंड उसकी फ़ोटो खींच रहा था, फ़ोटो खिंचाते वक्त वो स्लिप हुआ है ऐसा उसके दोस्तों के द्वारा अपने बयान में बोला गया है। इसके अलावा जो उनका परिवार आया था उनका कहना ये है कि उनको कुछ मुद्दों पे शंका थी, उनका ये कहना था कि क्या इसको मार के तो डुबाने दिया गया है, एक बिंदु ये था। दूसरा बिंदु उनका ये था कि वो क्या बोलते हैं वो जो 2 लड़के हैं उन्होंने बचाने का प्रयास या इस तरह की गतिविधियों में कुछ तीव्रता से क्यों नहीं किया, तो इस तरह के 2-3 उनके मुद्दे थे। तो इसके लिए मैंने उनकी उनकी बातों से संवेदनशीलता को समझते हुए क्योंकि माता पिता बच्चे के जाने से काफ़ी दुखी हैं, हालांकि उसमें जो डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें तो डेथ का कॉज ड्रॉनिंग ही है, लेकिन किन परिस्थितियों में घटना कारित हुई इसके लिए IPS हमारे CSP अंबिकापुर स्मृतिक पत्रनालय उनके अंडर में उनको जाँच सौंपी है। अमल भिट्टी का संजय यादव करके एक लड़का है जो 25 तारीख को उनके हम लोग का संदेह है कुछ लोगों के द्वारा हत्या कर उसको पानी में डाल दिया गया है, उसी विषय को लेकर आज SP साहब से हम लोग मिलने आए थे और SP साहब ने आश्वस्त किया है टीम गठन करके जांच कराने का हम लोग आश्वस्त किए हैं। क्यों ऐसा लग रहा है कि और सरगुजा जिले के ग्राम सोहगा में एक निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने के बाद बेहतर पढ़ाई की उम्मीद अभिभावक और उनके बच्चों ने जताई थी, लेकिन सोहगा ग्राम में आसपास के इलाकों के बच्चों का एडमिशन जब उस स्कूल में नहीं हुआ तो बच्चे और उनके अभिभावक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दरअसल ग्राम सोहगा के आसपास के क्षेत्र में अभिभावक और बच्चों ने ये उम्मीद जताई थी कि स्कूल खुलने के बाद उन्हें स्कूल में दाखिला मिलेगा, लेकिन अभिभावकों का जो आरोप है वो सामने आया है कि इस स्कूल में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को न लेकर के शहरी क्षेत्र के बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है। यहाँ ग्राम करजी और सोहगा में आत्मानंद स्कूल खुला है जिसमें आत्मानंद स्कूल में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का एडमिशन ना लेकर शहरी क्षेत्रों का ज़्यादा एडमिशन हुआ है, और इस बार जो टोकन प्रक्रियाएँ हुई है
स्कूल द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुआ था कि बीपीएल सूची में कितने बच्चों का एडमिशन होगा और एपीएल सूची में जितने बच्चों का एडमिशन होगा, तो उस आधार से एडमिशन की लिस्ट निकली थी और बीपीएल सूची का लिस्ट टोकन निकालने के बाद एपीएल और बीपीएल के दोनों के जो बच्चे थे उसको मिला दिया गया। उसके बाद टोकन मिलाकर बीपीएल एपीएल में निकाला गया, जो जनरल कैटेगरी का होता है उसमें निकाला गया, जिसमें जनरल कैटेगरी में ही बीपीएल बच्चों का ही एडमिशन हुआ और एपीएल वाले अपात्र हो गए। उसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र के जैसे स्कूल के आसपास के लोगों के शासन की गाइडलाइन है कि बच्चों ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों पढ़ें इंग्लिश मीडियम, तो बच्चों का एडमिशन ग्रामीण क्षेत्र के ना होकर शहरी बच्चों का ज़्यादा एडमिशन हुआ है। हम चाहते हैं कि स्वामी आत्मानंद जो सोगा स्कूल खुला हुआ है उसमें हमारे गाँव के बच्चों का एडमिशन कम हुआ है, ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों का हुआ है और बाहर बाहर के लोग आके यहाँ पर एडमिशन करवा लिए हैं, जिससे हमारे करजी सोगा ये सबके बच्चे लोग नहीं आ पाए हैं एडमिशन में। तो हम लोगों का यही मांग है कि हमारे आसपास के बच्चों को लिया जाए ताकि इसका हम लोगों को लाभ मिल सके। यहाँ मैम बोली है कि इसका मतलब करवाएंगे, जांच करवाएंगे उसके बाद। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की डंडा से पीट पीट कर उसे अधमरा कर दिया और फिर इसको लेकर मामला सामने हुआ है। साफ हुआ है कि पत्नी के चरित्र पर उसे शक था और शक के बिना पर उसने पत्नी की पिटाई की है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया गया लेकिन इस दौरान महिला की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, दरिमा थाना क्षेत्रांतर्गत छिनकालो ग्राम में 28 तारीख की रात के समय एक पति और पत्नी जिसमें अखिल राम नाम के पति हैं, उनके अपनी पत्नी से कुछ चरित्र शंका को लेकर और अन्य घरेलू मामलों को लेकर विवाद हो गया था। उस विवाद के दौरान पति के द्वारा अपनी पत्नी को चोट पहुंचाई गई, जिसके लिए उसने फिर चोट लगने के बाद उनकी पत्नी को अस्पताल लेके आए जहां उनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसमें धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है, पति की गिरफ्तारी कर ली गई है और जल्दी अग्रिम कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। जी, जगदलपुर के कलेक्टर विजय दयाराम के ने यहां पर ब्लॉक में उसरी बेड़ा में स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान कलेक्टर ने स्कूल के रायसन भौतिक और जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया। शिक्षकों को लैब में प्रयोग कर दिखाने के लिए भी कहा गया। हालांकि बता दें कि कोई कमी न रह जाए इसके लिए जगदलपुर कलेक्टर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा की उपस्थिति में तहसील सभागार धौलाना में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। यहां जिलाधिकारी ने आए हुए फरियादियों की शिकायतों को तुरंत सुनकर उनसे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है जहां पर एक बेजुबान लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि भट्टे पर ये लड़की रह रही थी और लड़की का जो है फायदा उठाया गया है। युवक ने मौके का फायदा उठाकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और लड़की का मेडिकल चेकअप भी करवा लिया गया है। आपको बता दें कि मुंबादिक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना थाना कोतवाली खीरी संबंधित है। दिनांक 2/6/2023 को श्री सगीर अली निवासी कोतवाली सदर ने बताया कि वह भट्टे पर रहकर ईंट पाटने काम करता है। 2 जून को उसकी लड़की उम्र लगभग 15 वर्ष जो मूक बधिक है भट्टे पर पानी लेने के लिए गई थी, तो भट्टे पर काम करने वाले तौफीक ने उनकी लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इस सूचना पर थाना खीरी पर तत्काल सुसंग धावा में अभियोग लिखा गया। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अन्य आवश्यक विधि का आरोप पीड़ित है। और अब खबर पंजाब से है जहां पर राइस मिल मालिकों को लेकर आ रही परेशानियों को लेकर आज मोगा में पंजाब राइस मिल एसोसिएशन की ओर से एक बैठक की गई, जहां पंजाब प्रधान तरसेम सैनी की अगुवाई में ये बैठक की गई है। इसमें पंजाब भर के राइस मिल मालिक शामिल हुए। गौरतलब है कि पंजाब में 1 अक्टूबर से चावल मिलिंग का काम शुरू हो जाता है और मिल मालिकों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
वहीं उन परेशानियों को लेकर सरकार तक पहुंचाने के लिए आज पंजाब भर में राइस मिल मालिक पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि सरकार ने जो जीएसटी की पॉलिसी बनाई है वो गलत है, क्योंकि राइस मिल पहले जीएसटी नहीं देते थे और अब 18% जीएसटी लगाई गई है। मुद्दा सर, तीन मुद्दे सी। एक तो 45 जिहड़ा राइस है उस शैलर वाला एक्सप्लॉइट हो रहा है, किसी भी फैक्ट्री तो 45 राइस जो लिया जाता है उसका काम है क्वालिटी चेक करना, साडा काम उस ब्लेंडिंग करना, साड़ी जिम्मेवारी नहीं है। उस तो बाद पर उस आर दे विच महकमा साडे राइस मिलर नूं एक्सप्लॉइट करता है, तुसीं तीन जगह तो सैंपल करा लो, तीन जगह सैंपल उहदे वेरी करदे। सो बेसिकली अज तां साडियां जिहड़ियां मेन मुश्किलां ने, एक तो सब तो वड्डी जिहड़ी मेन मुश्किल सानूं जीएसटी दी आ रही है। इत्थे दा पंजाब दा जीएसटी डिपार्टमेंट एक लोगों को परेशान करने वास्ते जिहड़े मिलिंग चार्ज दे उत्ते तां जीएसटी लाउंदा सीगा, पर जिहड़े मिलिंग दे खर्चे ने जिहड़े कि सानूं राइस ब्रांच छिलके दे लिए उच मिलदे ने, लोगों नूं मतलब गलत उह कढ के नोटिस ब्लैकमेल कर रहे ने। और जनपद हापुड़ से अब खबर है, बता दें कि जिला कार्यालय में समाजवादी पार्टी हापुड़ में मासिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बूथ कमेटी बनाने पर चर्चा की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता निवर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ के द्वारा की गई। अब रुक करेंगे पंजाब के बठिंडा की ओर, जहां से खबर है कि समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम में बठिंडा पुलिस को उस समय सफलता मिली जब थाना थर्मल में दर्ज किए गए एनडीपीएस केस में फिरोजपुर जेल में बंद किए गए राकेश कुमार उर्फ काकू को वारंट पर पूछताछ के लिए लाया गया। उसके बाद से पुलिस ने 2 नाजायज असले बरामद किए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के से जो है खरीद कर लाए गए थे। देखो, एक लड़का पिछले 4 साल तो जेल चाहे दूजा 6.5 साल तो साड़ी मानयोग अदालत में यही रिक्वेस्ट है कि जोड़े बंदे 4 साल तो 6.5 साल तो कस्टडी च ने, उन्होंने खिलाफ दूजे केस एविडेंस की है? कोई इन्हों को एविडेंस नहीं, एक लकूना फिल कर रहे हैं जिड़िया FIR पेंडिंग पे, जिन्हों के वेख्या कि इतने आप ना उन्होंने फिलअप करने ने उ है जोड़े बंदे ऑलरेडी कस्टडी ने, तुम कहने कस्टडी बैठे हो साजिश करते हैं तो साजिश। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज़।